Hi viewers, welcome back. Today we are going to learn a very interesting topic. In that we are going to study today have had to and has had to. जब आपके हिंदी वाक्य के में रहेगा ही है या ही करना पड़ता है तो उसके लिए आप सीखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार have had to या has had to, करना ही है या करना ही पड़ता है। जैसे आपको पूछना ही पड़ता है, आपको पूछना ही पड़ता है, क्या लिखेंगे या तो इसके लिए जो अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर होगा ये आपको लिख देता हूं। यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इसके बाद आपका हैज टू भी वन हो जाएगा। यदि आप निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, यहां पर हैड टू प्लस भी वन हो जाएगा, है ना। और यहां पे यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू भी वन, और यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन लगेगा। यदि डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा डब्ल्यू एच प्लस हैव या हैज, यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि आपके वाक्य में नॉट शब्द है तो सब्जेक्ट बाद ना लिखेंगे, नॉट, यहां पे आपका हो जाएगा हैड टू और यहां पे भी वन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो हम चारों प्रकार के जो स्ट्रक्चर बोर्ड पर लिखे हैं इन चारों स्ट्रक्चरों पे कुछ एग्जांपल सीखते हैं ताकि इस बात को अब बेहतर तरीके से समझ जाए। तो आइए हम एक एक करके कुछ वाक्यों को देखते हैं सभी स्ट्रक्चरों पे। तो आपका पहला स्ट्रक्चर है बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज हैड टू भी वन और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो आइए कुछ हम वाक्यों को यहाँ पे देखते हैं। आपको पूछना ही है तो क्या लिखेंगे, यू हैव हैड टू आस्क, है ना। राम को शादी करना ही है, राम को शादी करना ही है, राम हैज हैड टू मैरी, है ना। जैसे उन लोगों को कार खरीदना ही है, उन लोगों को कार खरीदना ही है, कैसे करेंगे, उन लोगों की इंग्लिश हो जाएगी दे हैव हैड टू, दे हैव हैड टू बाय अ कार। और जैसे कि हम लोगों को समय पर पहुंचना ही है, हम लोगों को समय पर पहुंचना ही है, क्या लिखेंगे, वी हैव हैड टू रीच ऑन टाइम। तो आइए कुछ हम लोग इंट्रोगेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्यों को लेते हैं फिर इंट्रोगेटिव वाक्यों को लेंगे। तो आइए कुछ सीखते हैं हम लोग निगेटिव वाक्य। तो आइए लिखते हैं कुछ वाक्य। सीता को झगड़ा करना नहीं है, सीता को झगड़ा करना ही नहीं है, क्या लिखेंगे, सीता हैज हैड, सीता है नॉट, है ना, नॉट लिखेंगे हैज के बाद, सीता हैज नॉट हैड टू क्वारल। दूसरा वाक्य लेंगे ना आपको, दूसरा वाक्य के अंतर्गत क्या सीखेंगे, है ना, कि
उन लोगों को बुलाना ही नहीं है, उन लोगों को बुलाना बुलाना ही नहीं है। क्या लिखेंगे? They have not had to call, हो गया। और वाक्य लेते हैं जैसे आपको अभी क्लास छोड़ना ही नहीं है, आपको अभी क्लास मैंने कक्षा छोड़ना ही नहीं है। क्या लिखेंगे? आपको यू हैव नॉट हैड टू लीव द क्लास नाउ, अभी। तीसरा वाक्य हमारा हो जाएगा कि आपको मतलब हम लोगों को छत से कूदना ही नहीं है, है ना। मतलब कूदेंगे तो वाक्य देखते हैं डायरेक्ट, हम लोगों को छत से कूदना ही नहीं है, है ना। We have not had to jump from the roof. आइए कुछ हम इंट्रोगेटिव वाक्यों का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपको प्रश्न पूछना ही है? क्या आपको प्रश्न पूछना ही है? यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैव को पहले लिखेंगे, हैव यू हैड टू आस्क क्वेश्चन। क्या करेंगे? अब अगला क्या हो जाएगा कि क्या आपको उधार देना ही है? नहीं। क्या राम को उधार देना ही है? क्या लिखेंगे? हैज राम हैड टू लेंड। अच्छा, क्या आपको फल बेचना ही पड़ता है? क्या आपको फल बेचना ही नहीं पड़ता है। इसमें नॉट शब्द है ना, तो क्या करेंगे, क्या आपको फल बेचना ही नहीं पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, Have you not had to sell what? फल ना, फ्रूट्स। चलिए एक और वाक्य लिख लेते हैं। क्या शिव और सिमरन को बुलाना ही पड़ता है? Have Shiv and Simran had to call? आइए कुछ हम डबल इंटरगेटिव वाक्यों को देखते हैं। तो क्या
आपको क्यों पढ़ाना ही पड़ता है, आपको क्यों पढ़ाना ही पड़ता है, Why have you had to teach? शिव और सिमरन शिव और सिमरन को कैसे यह करना ही पड़ता है कैसे, हाउ हैव शिव एंड सिमरन हैड टू डू दिस। कुछ वाक्य आप लोग और लिखते हैं कि जैसे में उन लोगों को कब यहां रुकना ही पड़ता है, When have they had to stay here? एक और बात लिखते हैं कि राम को क्या करना ही होता क्या करना ही होता है या करना ही पड़ता है करना ही होता है राम को क्या करना ही पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, What has Ram had to do? तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा, जब वाक्य आपका ही से समाप्त हो जाए, करना ही है या करना ही पड़ता है, तो आप सीखेंगे। अगले हम वीडियो में सीखेंगे जब यहाँ पे करना ही था या करना ही पड़ता था, तो अब वीडियो नंबर हम 34 के अंतर्गत सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।